चलो अंकल। ठीक है अंकल। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम नमस्कार आप सस्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी व्लॉग। वैसे यार आज संडे है बट संडे के दिन थोड़ा लगता है मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि आज धूप बहुत ज्यादा ही तेज लग रहा है। कल इस टाइम से बारिश हो रही थी, इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि घर से एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते इतनी बारिश हो रही थी। और आज का दिन है ऐसा लग रहा है इतनी धूप पड़ रही है दिल्ली में, कितनी गर्मी पड़ रही है ऐसा लग रहा है यार। दिल्ली का मौसम अगर ऐसा ना करे तो फिर दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली तो बदनाम है अपने मौसमों की वजह से। गर्मी भी खूब पड़ती है, ठंडी भी खूब पड़ती है, बारिश भी खूब होती है बट मुंबई से कम होती है। ओ भैया हमें पता है सरदार जी, मुझे ज्यादा साउंड पसंद नहीं है गाड़ियों में। गाड़ी जितना स्मूथ हो सके, जितना शांत हो सके उतना अच्छा, उतना बेहतर। जैसे अभी मेरी गाड़ी में से आवाज आ रही है झन झुन झिन झिन, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार। इरिटेट होता हूँ मैं इन सब साउंडों से। एक हद तक के लिए मजा आता है जब मॉडिफाई साइलेंसर विलेंसर करवाते हैं तो एक हद तक के लिए अच्छा लगता है, मजा आता है। उसके बाद बंदा इरिटेट होने ही लगता है, चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा साउंड सिस्टम लगा रखा हो उसने, एक टाइम के बाद खुद आप इरिटेट हो जाओ। गाड़ी को जितना शांत रख सको उतना अच्छा, चालान से भी बचोगे इरिटेट होने से भी बचोगे। यहाँ से कुछ दूरी पे ही है DND, कुछ राइडर्स अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं संडे राइड को। हो सकता है कि कुछ राइडर्स हमें दिख जाए क्योंकि सुबह से तो मैं बहुत तो राइडर्स को देख चुका हूँ बट मैं उस टाइम पे वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं पहले बिलीव करता हूँ कि पहले लाइफ को एंजॉय करो उसके बाद काम को अंजाम दो। तो उस टाइम पे वीडियो करना चाहिए लेकिन मेरा थोड़ा सा दिमाग उल्टा चलता है। करूँगा आगे से कि जब मैं राइड करूँ सुबह सुबह जो मुझे दिखे नज़ारे उसको भी कैप्चर करूँ, राइडर्स को कैप्चर करूँ, तो उससे फील आता है कि हाँ भाई बंदा राइड कर रहा है, कर रहा हो या ना हो बट राइड पे निकला है। रुक जा भैया। मेरठ और दिल्ली हाईवे पे आगरा और दिल्ली को मिलाने वाला ये एक्सप्रेसवे NH2 पे हूँ मैं, NH2 पे नेशनल हाईवे 2। भैया चलान से बहुत डरता हूँ क्योंकि आ चुका है मेरी गाड़ी में चलान और अच्छा खासा चलान है जो मैं अभी भरने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, लेकिन वो मेरे साथ गलत करके मेरे साथ चलान किया गया है जो कि मुझे साकेत कोर्ट में जाना है और वहाँ पे मेरा चलान भर जाएगा, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करके कोई वकील को करके सस्ते में हो जाएगा, लेकिन मैं वो काम अपना निपटा नहीं पा रहा हूँ। वो भी निपटाना है और निपटाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कोई जूस वाला मिले पहले मेरे को यार, कोई जूस वाला मिले कहीं तो मिले, साला कोई कॉर्नर नहीं खुला हुआ है यार। यहाँ तो हॉस्पिटल है, यहाँ तो बहुत महंगा होगा, यहाँ से निकल लो। यह है अपोलो, दिल्ली का रिचेस्ट हॉस्पिटल में गिनती आती है इसकी, अपोलो की, जो कि हमारे बस की बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पीना और खाना क्योंकि ये लोग रेट बहुत हाई रखते हैं हर चीज़ में हाई रेट। वो जूस वाला था यार, जूस वाला है, ले ले गाड़ी, ले ले गाड़ी, जूस कितने का देगा, कितने का ही दे देगा बनाना शेक।
मेरी दाढ़ दर्द कर रही है साला, पता नहीं दाढ़ में क्या हो जाता है, इतना दर्द, इतना मुंह पेन करता है, कुछ भी खाओ पियो तो पता नहीं। चलो पहले ये बंदे की हेल्प कर देते हैं थोड़ा सा धक्का मार के। चलो अंकल, ठीक है अंकल। हाँ मैं ये कह रहा था कि दांत बहुत दर्द करता है, पता नहीं सारा क्या हो जाता मुंह के अंदर, एकदम जूस उस पी के हो गया। और जूस भाई बहुत महंगा है यार, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि ये अपोलो है, ये दिल्ली का सबसे रिचेस्ट हॉस्पिटलों में इसकी गिनती आती है, और यहाँ पे खाना पीना मतलब कि अलग ही लेवल की महंगाई रहती है। जो मैं जूस 20-30 रुपए में पी सकता हूँ वो यहाँ पे 50 रुपए में पिया है मैंने। मेरे अंदर ही चुल्ली थी कि भाई अब दिख गया तो पी लो, तो मैं गया फिर पी लिया। अब महंगा है तो है भाई, अब क्या कर सकते हैं इसमें। कैमरे लग रहे हैं, कैमरे यहाँ पे आराम से चला ले। तो यही सब मज़ा आता है सुबह सुबह घूमने में, सुबह सुबह राइड करने में, और मुझे ये सब अच्छा लगने लगा है, अब पहले से बेहतर लगने लगा है। वीडियो पे मैं अपने फोकस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि अपने मैं वीडियोस कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ उसी चक्कर में और उसी के लिए मैं बाहर निकलता हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये राइड यहीं तक थी मेरी, और आपका सफ़र इस वीडियो में यहीं तक के लिए था। तो वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं 1000 सब्सक्राइबर, पता नहीं ये वीडियो मेरी शायद 1000 सब्सक्राइबर से पहले आ रही है, तो मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर हो गया है तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लोग ने मेरी 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा करवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।